What's up guys? I hope you are doing well. I am Maz. So dear students, आज हम बात करेंगे क्लास 11 एनसीईआरटी बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 4 किंगडम एनेबिलिया के पार्ट 8 के बारे में. इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे वो हमारा रहेगा फाइलम टीनोफोरा. इसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे. ओके गाइज, चलिए बने रहिए हमारे साथ. जिसका टी सी साइलेंट रहता है इसलिए इसको क्या कहते हैं, टीनोफोरा कहते हैं. ठीक है गाइज, तो हमारा जो टीनोफोरा होता है, जो फाइलम टीनोफोरा होता है, उसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं उसके बारे में हम बात करते हैं. तो ये आपका सबसे पहली बात, तो इसको हम एक स्पेशल नेम से जानते हैं. स्पेशल नेम क्या है, जिसे हम कहते हैं सी वॉलनट. क्या कहते हैं, सी वॉलनट्स. सी वॉलनट्स मतलब समुद्री अखरोट, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो कैसा होता है, अखरोट जैसा होता है इसको, और ये समुद्र में पाया जाता है इसलिए इसको क्या कहते हैं, समुद्री अखरोट भी कहते हैं. ठीक है, इसका स्ट्रक्चर आप लोग को दिखा दें, देखिए जैसे अखरोट का स्ट्रक्चर होता है वैसे इसका स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, समुद्री अखरोट या सी वॉलनट्स. ओके गाइस, तो इसके क्या है आपके कॉमनली नोन है, सी वॉलनट्स एंड कॉम जेली. जेली जो इसकी बॉडी स्ट्रक्चर तो अखरोट जैसा होता है लेकिन इसकी जो बॉडी होती है, ठीक है, वो कैसी होती है, जेली नुमा होती है. जैसे जेली होती है वैसे इसकी जेली नुमा बॉडी होती है. ये कहाँ पाया जाता है, मरीन यानी आपका जल में पाया जाता है, आपके समुद्र में पाया जाता है. इसकी जो होती है रेडियली सिमेट्रिकल बॉडी होती है, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होता है और टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है इसके अंदर. ठीक है गाइस, इसकी जो बॉडी होती है इसके ऊपर 8 एक्सटर्नल रोज पाई जाती हैं, कॉम्प्लेट्स जिसे हम कहते हैं. ये क्या करती है, इसको लोकोमोशन यानी चलने में सहायता करती हैं. ठीक है, इसका डाइजेशन होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर बोथ होता है. ठीक है, उसके बाद इसका डायग्राम ये देख सकते हैं, ये आपकी इसके जो डिप्लोब्लास्टिक आपके जो आपकी क्या है, ये आपकी क्लेम प्लेट से. ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक ये आपकी क्लेम प्लेट से. ठीक है, उसके बाद हम बात करें इसकी और चीज़ के बारे में. इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इसके अंदर से लाइट इमिट होती है, जो इसकी इसके अंदर से लाइट जो होती है वो इमिट होती है, इसे हम क्या कहते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं. ठीक है, ये बहुत ही स्पेशल प्रॉपर्टी है इसकी, क्योंकि एक ऐसा ये इसको स्पेशल बनाती है, क्योंकि और किसी में लाइट इमिट नहीं होती है और किसी भी एनिमल में. ठीक है, और उसके अलावा जो इसका सेक्स होता है वो सेपरेट नहीं होता है, मतलब फीमेल एंड मेल, मेल और जो है रिप्रोडक्शन पार्ट एक ही में होता है. उसके अलावा आपका जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल होता है, असेक्सुअल नहीं होता है. फर्टिलाइजेशन जो होता है इसका एक्सटर्नल होता है, इंटरनल नहीं होता है. इनडायरेक्ट इसका डेवलपमेंट होता है. ठीक है, एग्जाम्पल इसके क्या हो जाएंगे, टीनोप्लाना हो जाएगा, इसके अलावा प्यूलोरो ब्राचिया हो जाता है, इसके एग्जाम्पल्स हो जाते हैं. तो आई होप गाइस आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा. फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं. थैंक फॉर वॉचिंग.